ठंड अपना आगोश समेट चुकी है, बसंत का भी नामो निशान मिट चुका है, ठंड और गर्मी की दूरी मिट गई है। ठंड गई नहीं कि गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज तपने लगा है, अभी कुछ दिन पहले तक जो धूप जरूरी थी अब वो जलाने लगी है। तपिश इतनी तेज बढ़ गई है कि मौसम विभाग से लेकर सरकार तक हर कोई हर ओर से चेतावनियां जारी करने लगा है। मौसम विभाग हमें सावधान कर रहा है कि लू की चपेट से आने से बचिए। विभाग ने अपने अनुमान में कहा कि उड़ीसा, झारखंड, रायल सीमा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों, तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के यनम और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 4 से 6 अप्रैल तक अलग अलग स्थानों पर लू का प्रकोप रह सकता है। इसके साथ ही विदर्भ और तेलंगाना जैसी जगहों पर 5 और 6 अप्रैल के दौरान अलग अलग जगहों पर तेज और गर्म हवाएं भी रहेंगी। अचानक मौसम में आए बड़े बदलाव के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तैयारियां भी शुरू कर दी। मंडाविया ने बुधवार को गर्मी से संबंधित बीमारियों के मैनेजमेंट के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और राज्यों को आवश्यक दवाओं, आइस पैक, ORS, पीने के पानी के साथ साथ जनता के लिए IEC एक्टिविटी को लेकर सुविधाएं बढ़ाने की सलाह दी है। उधर उड़ीसा सरकार ने स्कूलों में दोपहर की जगह क्लास लगाने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार ने भीषण गर्मी कारण सभी स्कूलों में सुबह की कक्षाएं घोषित की हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के बारे में उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण के राज्य परियोजना निदेशक ने कहा कि राज्य में तेज गर्मी के अनुमान के कारण सरकार ने फैसला किया है कि सुबह स्कूल की कक्षाएं चलाएंगे। सभी स्कूलों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं और अगर कोई बच्चा गर्मी के कारण बीमार पड़ता है तो उसे इलाज के लिए नजदीकी चिकित्सा सुविधा ले जाया जाएगा। वहीं नंदनकानन चिड़ियाघर में अपने जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जानवरों को कठोर परिस्थितियों में राहत देने के लिए एयर कूलर, स्प्रिंकलर और फलों के प्रावधान सहित कई विशेष उपाय भी तैयार किए जा रहे हैं। जैसे जैसे देश भीषण गर्मी की चपेट में आ रहा है, IMD ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में संभावित हीट वेव की भविष्यवाणी की है। IMD ने कहा है कि सप्ताह 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग इलाकों में हीट वेव की स्थिति बेहद संभव है। इसके अलावा झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीट वेव की स्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि अल नीनो एक जलवायु घटना है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता है। ये विश्व स्तर पर नियमित मौसम के पैटर्न में व्यवधान डालने का कारण बनता है। इस कारण बाढ़, सूखा और विभिन्न चरण मौसम की स्थिति जैसी घटनाएं होती हैं। देश में 2014 से 2023 का वह दशक रिकॉर्ड गर्मी का रहा है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हुई है जो 425 ppm के शिखर पर पहुंच गई है। साल 2020 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के आकलन के अनुसार राष्ट्र ने 1950 से प्रति दशक 0.15 डिग्री सेल्सियस की दर से औसत तापमान में तेज वृद्धि देखी है। दक्षिण भारत में पारंपरिक रूप से उत्तर और मध्य क्षेत्रों की तुलना में कम लू चलती है, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि मौसम विभाग और सरकार ने इसको लेकर के जरूरी दिशा निर्देश और सावधानियां को लेकर के लोगों को चेतावनी भी जारी कर दी है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।